चैप्टर थर्ड आरडी शर्मा का मेजरमेंट ऑफ एंगल्स मेजरमेंट। हाँ जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे इसका नाम है इनिशियल लाइन, और आपने एंगल इस तरीके से इसको ओपन किया ऊपर की साइड, ये इस तरीके से मान लो ये 70 डिग्री का है ए बी और ये सी। तो बच्चों इसमें एंगल आपने इस तरीके से ओपन किया और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। तो ये आपका एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, ये आपका जो है वो पॉजिटिव 70 डिग्री होगा, ठीक है, और ये आपके है इनिशियल लाइन। और आपने एंगल इस तरीके से ओपन किया है, इस तरीके से ए बी सी, और ये आपका -70 होगा। तो एंगल ए बी सी ये होगा -70, और यहाँ एंगल ए बी सी ये +70 डिग्री, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन दो प्रकार के लेंगे, एक तो क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घड़ियों चलती है 12, 1, 2 इस तरीके से, तो ये क्लॉकवाइज अपन नेगेटिव लेंगे, और ये एंटी क्लॉकवाइज। हमने 10th तक एंगल पढ़े हैं, वो सारे एंटी क्लॉकवाइज पढ़े हैं। बेसिकली एंगल नेगेटिव नहीं होता, ये माइनस किसको बता रहा है कि आपने एंगल किया है वो क्लॉकवाइज किया, कैसा किया है क्लॉकवाइज। तो इतना आपके ये हो गया, ठीक है, ये तो हो गए एंगल्स के टाइप। अब आता है सिस्टम ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजरमेंट करने के सिस्टम कितने हैं, ये बेटा आपके सिस्टम है 3। कितने सिस्टम है? अभी 3 सिस्टम है एंगल को मेजरमेंट करने के, जिसमें पहला है सेक्सा जेसिमल सिस्टम, ठीक है। दूसरा है, नाम बताएंगे अभी, एक्सप्लेन भी करेंगे, सेक्सा जेसिमल सिस्टम। दूसरा है सेंटीसिमल सिस्टम, और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। ये 3 प्रकार के सिस्टम एंगल नापने के, जैसे अपने वजन होता है, वजन उसको अपने किलोग्राम में नापते हैं, ग्राम में, और मिलीग्राम में, कम वजन है मिलीग्राम में, सोना चांदी है, ठीक है, मिलीग्राम ग्राम में, बड़ा वजन है थोड़ा, जैसे सब्जी वगैरह चीनी वगैरह किलो में, और जैसे गेहूँ सरसों जो मंडी में तोलते हैं उनको किलोग्राम क्विंटल में, ठीक है, लिक्विड लीटर में, इसी तरीके से ये एंगल मेजरमेंट नापने के अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं। अब देखिए इस सिस्टम में क्या होता है, एंगल जो बड़ा होता है ना उसको नापते हैं डिग्री में, बड़ा एंगल होगा वो डिग्री में नापेंगे, और छोटा एंगल है तो उसको नापेंगे मिनट में, और छोटा है उसको नापेंगे सेकेंड में। तो बेसिकली डिग्री है वो बड़े एंगल के लिए मिनट, छोटे एंगल के लिए, और भी छोटा है तो सेकेंड के लिए। हाँ जी, बात कर रहे थे अपने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को नापने के 3 प्रकार के सिस्टम चलते हैं, सेक्सा जेसिमल सिस्टम, इसमें एंगल नापेंगे डिग्री में बड़े एंगल के लिए, छोटे के लिए मिनट, और भी छोटा है तो सेकेंड या मिनट। ये घड़ी के लिए नहीं है, इनके नाम रखेगा, जैसे डिग्री नाम रखा वैसे मिनट नाम रख दिया। इस सिस्टम में नापेंगे एंगल ग्रेड में,
या ग्रेड मिनट में या ग्रेड सेकंड में, ग्रेड सेकंड। और इस सिस्टम के अंदर एंगल का जो मेजरमेंट करेंगे वो करेंगे अपने रेडियन में, किस में करेंगे, रेडियन में, ठीक है, एक ही इसमें यूनिट। तो बेटा जी इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट तो ये वाला है, अभी मैं तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इसको समझते हैं, नंबर एक सेक्सा जेसिमल सिस्टम, इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर तीनों में कनेक्शन क्या है वो देखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले इसमें देखिए, इस सिस्टम में सबसे पहले एक डेफिनेशन बनाई गई, क्या बनाई गई कि जो एक राइट एंगल होगा, एक राइट एंगल को 90 डिग्री कहा गया, 90 डिग्री। जो नाम लिखा है इसकी जगह ये लगा देते हैं, डिग्री बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्या किया गया, मिनट की बारी आई तो इसके क्या किए, 90 पार्ट कर दिए, क्या कर दिए इसके, ऐसे 90 पार्ट कर दिए, ऐसे इसके 90 पार्ट कर दिए इसके, ना आप समझ गए, मैं सारे नहीं बनाऊंगा, इसके 90 पार्ट कर दिए। तो एक पार्ट कितने का होगा, एक पार्ट बिल्कुल एक डिग्री का होगा, ठीक है। उस एक डिग्री को अलग बना लिया, यह आपका है एक डिग्री, कितना एक डिग्री है, इस एक डिग्री के आगे पार्ट कर दिए कितने, 60 पार्ट कर दिए, कितने पार्ट कर दिए, 60 पार्ट कर दिए, कितने पार्ट किए इसके, 60 पार्ट कर दिए। तो हर एक जो पार्ट होगा इसके, ऐसे 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 बहुत सारे पार्ट किए, यह आपका एक डिग्री था, इसका 60 पार्ट कर दिए, तो एक पार्ट का नाम रखा गया एक मिनट। और अब बताओ एक डिग्री के कितने डिग्री हो, कितने मिनट हो गए, 60 हो गए, 60 पार्ट है, हर एक पार्ट एक मिनट है, तो लिख देंगे एक डिग्री में 60 मिनट हैं, 60 और मिनट के लिए यहाँ पर यह डैश लगा देते हैं, तो एक डिग्री में 60 मिनट है बेसिकली ये। फिर जो 60 पार्ट किए थे एक मिनट के, एक डिग्री के ऐसे ऐसे पार्ट किए, एक पार्ट एक मिनट था, उस एक मिनट को अलग से बनाया गया, ये आपका एक मिनट है, इसके भी आगे 60 पार्ट कर दिए, बहुत छोटे छोटे पार्ट में बाइंड कर दिया। तो ये बताओ एक मिनट के 60 पार्ट किए तो हर एक पार्ट का नाम सेकंड रखा गया, तो एक मिनट में, एक मिनट में ये मिनट है, इसमें 60 सेकंड होते हैं, क्या होते हैं इसमें 60 सेकंड। तो सबसे पहले क्या किया, 90 डिग्री था, उसके 90 पार्ट किए, एक पार्ट एक डिग्री का था, एक डिग्री अलग बनाया छोटा सा, उसके फिर 60 पार्ट कर दिए, हर एक पार्ट को एक मिनट बोला गया, तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। फिर एक मिनट जो 60 एक डिग्री के 60 पार्ट किए थे, हर एक पार्ट एक मिनट था, एक मिनट के आगे 60 पार्ट किए, और छोटा हो गया, और छोटा दिवस समोल बिल्कुल समोल पार्ट हो गया, उसको फिर एक अपने सेकंड का आ गया, तो एक मिनट के 60 सेकंड होते हैं। तो ये था आपका सेक्सा डेसिमल सिस्टम। ये मिनट और सेकंड जो है ये घड़ी वाले नहीं है, ये एंगल के छोटे पार्ट हैं, बेसिकली एक डिग्री को 60 मिनट भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे 100 किलो को एक क्विंटल बोलते हैं, वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर दो, सेंट डेसिमल सिस्टम। मेरी इंक ख़त्म हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से लग से बनेगा, सेंट डेसिमल सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो 90 डिग्री था, जो 90 डिग्री था एक राइट एंगल, वो अपने क्या था, इसको अपने 90 डिग्री कहा गया। अब ये मत कहना राइट एंगल 90 डिग्री कहाँ से, इसका प्रूफ बताओ, ये तो फिक्स है बेटा। जैसे एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, कुछ चीज़ें फिक्स है, डिसाइड की गई है, उन्हीं के बेसिस पे आगे आगे नई नई चीज़ों को बनाया गया है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल 90 डिग्री, अब इसके 100 पार्ट कर दिए, इसके कितने पार्ट कर दिए, ऐसे ऐसे कितने पार्ट कर दिए, इसके 100 पार्ट कर दिए, तो हर एक पार्ट का नाम रखा गया एक ग्रेड। तो 90 डिग्री जो होता है वो 100 ग्रेड के बराबर होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। जैसे एक किलोमीटर को 1000 मीटर कहा जाता है, ऐसे 90 डिग्री को ग्रेड में 100 ग्रेड बोलेंगे, ठीक है। अब आता है, ये तो 90 डिग्री हो गया, हर एक पार्ट एक ग्रेड हो गया, अब एक ग्रेड था उसके भी आगे पार्ट किए, उनको ग्रेड मिनट बोल दिया गया, फिर आगे ग्रेड मिनट के आगे पार्ट किए, उनको ग्रेड सेकंड बोल दिया गया, ठीक है। तभी मैं बताता हूँ, अब रफ कर लेता, ठीक है।
तो क्या बताया मैंने, एक राइट एंगल को 100 ग्रेड क्यों कहा गया, क्योंकि एक 90 डिग्री के 100 हिस्से कर दें और एक हिस्से का नाम एक ग्रेड है, दो पार्ट दो ग्रेड तीन ग्रेड, ऐसे 90 डिग्री में 100 पार्ट बन गए, उसे 100 ग्रेड बोल दिया। अब बात करते हैं ग्रेड मिनट के, तो इसमें जो ऐसे मैंने पार्ट किए कितने पार्ट के, 100 पार्ट के, एक पार्ट का नाम एक ग्रेड था। अब एक ग्रेड इधर बना दिया, ये आपका एक ग्रेड है, इसके भी आगे 100 पार्ट कर दिए, ठीक है। एक पार्ट को बोल दिया गया ग्रेड का पार्ट है, छोटा है तो नाम रख दिया ग्रेड मिनट, तो इसका जो एक पार्ट आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि एक ग्रेड में 100 ग्रेड मिनट होते हैं। एक ग्रेड को आगे डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट में, हर एक पार्ट का नाम एक ग्रेड मिनट दिया गया, फिर एक ग्रेड मिनट में जीएम का मतलब ग्रेड मिनट समझो आप, उसके आगे 100 ग्रेड सेकंड होते हैं, 100 ग्रेड सेकंड। तो ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ज़्यादा काम भी नहीं आता हमारे, ठीक है आगे चलते हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलर सिस्टम। तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये समझते हैं कि सर्कुलर इसका नाम क्यों दिया गया। सर्किल का यूज़ किया गया इस सिस्टम को बनाने के लिए, ये मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है। और सबसे पहले सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल नापते हैं वो किस में नापते हैं, रेडियन में। तो सबसे पहले क्या किया गया भाई, कहीं से स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगा, जैसे छोटी सी बात बताता हूँ, किसी ने बोल दिया कि जी एक फुट आई है, तो हो सकता है कि मेरी हाइट कम हो, बोना हूँ मैं या बोना आदमी हो कोई, उसकी हाइट कम हो तो एक फुट कम रहेगा। नेपोलियन का नाम सुना होगा उसने, उसकी हाइट कम, उसने बोला भी मेरे जितना कदम का गेप है एक फुट हो गया, लंबा आदमी का पाँव के बीच का गेप ज़्यादा हो जाए, तो वो कहीं तो फिक्स नहीं हो पाया वो, तो कहीं ना कहीं से कोई इस चीज़ की स्टार्टिंग करनी पड़ी है। फुट ऐसे ही किया गया निर्माण इसका, ठीक है, कि कोई चीज़ को इतना माना गया, एक फुट बना दिया गया, उसके आगे धीरे धीरे फिर लंबाई के मेजरमेंट बना दिए गए। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया, रेडियन सिस्टम में एक रेडियन को डिफाइन किया गया, एक रेडियन किसको बोलते हैं उसको डिफाइन किया गया। क्या किया कि सर्किल जितने भी रेडियस का है, मान लो इसकी रेडियस 2 है तो 2 सेंटीमीटर का एक आरक काट लिया, ये अगर रेडियस 2 है इसकी तो ये आरक भी 2 ले लिया गया, ये अगर 2 ले लेंगे, और अगर ये 3 है तो इसको 3 ले लेंगे, ये 5 यदि 5 ले लेंगे। कहने का मतलब है जितनी इसकी रेडियस है ना, रेडियस जितनी है इसकी उतना ही क्या लिया गया, इसका आरक लिया गया। तो ये जो OB रेडियस है, रेडियस के बराबर क्या लिया गया, आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। सर्किल कितनी रेडियस का हो, अब ये दोनों जो किनारे हैं इसके, एंडिंग पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट है, इनको यहाँ ज्वाइन कर दिया गया, तो इस एंगल का नाम दे दिया गया एक रेडियन, और इसके ऊपर सी लगा दिया गया, सी का मतलब है सर्कुलर सिस्टम। आर नहीं लगाया गया, आप सोचो सर आर लगा दिए थे, नहीं आर नहीं लगाया गया, सिस्टम नाम दे दिया इसका सर्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसका नाम रेडियन है। इसको ऐसे बोलेंगे एक रेडियन, सी को रेडियन बोलेंगे अपने, ठीक है। तो ये इसका जो एंगल का यहाँ पर फॉर्मूला बनाया गया, वो बनाया गया आर्क अपॉन रेडियस, क्या बनाया गया, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अगर आर्क मान लो 2 सेंटीमीटर है, रेडियस भी अगर 2 सेंटीमीटर, ये कट गया, ये इसमें कट गया, एक आ गया, अब सेमी सेमी तो कट गया यहाँ पर, अब इसका एक नाम तो देना पड़ेगा। तो एंगल है सर्कुलर सिस्टम में, अपनी तरफ से एक नाम फिक्स कर दिया गया, सर्कुलर सिस्टम में एंगल नापेंगे रेडियन में, ठीक है, किस में नापेंगे, रेडियन में। अब क्या फिजिक्स में भी आ जाएगा ये, एक रेडियन या एक के ऊपर सी लगा देंगे। तो आपको ये याद रखना है फॉर्मूला इसका, एंगल को थीटा कहा गया इसमें, एंगल आपका थीटा होगा, और आर्क को बोला गया एल, क्या बोला गया इसको, एल बोला गया इसको, इसको एल कह देते हैं, और रेडियस को आर बोला गया, एल इक्वल टू आर होगा। ये कब आएगा, जब एल इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, तो एक रेडियन आएगा, और यहाँ से अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एल इक्वल टू हो जाएगा आर थीटा। और कभी कभार इसकी जगह एस भी यूज़ करते हैं फिजिक्स में, तो इसकी जगह हो जाएगा एल इक्वल टू एस थीटा, ठीक है। तो ये तो आपका एक फॉर्मूला है, इसका प्रूफ भी है, मैथ में भी है, फिजिक्स के अंदर भी है, लेकिन आप फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रूफ इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समय होगा तो बता देंगे। तो ये आपका हो गया, इतना समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपने इन्हें तीनों में रिलेशन की, ठीक है। अब हम तीनों में रिलेशन पढ़ेंगे, बेटा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी टाइम 15 मिनट का ये वीडियो बन चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने इन तीनों में रिलेशन पढ़ेंगे कि कितने डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, कितने ग्रेड होते हैं, या कितने ग्रेड के मिनट में चेंज कैसे करते हैं, ग्रेड को मिनट में या रेडियन को मिनट में, रेडियन को डिग्री में, रेडियन को, ठीक है, मिनट सेकंड में आपस में बदलना, जैसे 1 किलोग्राम को 100 ग्राम, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम बोलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे, तीनों में रिलेशन क्या है। तो आज के लेक्चर में इतना ही,
यह आपका इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट था, ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब भी करना अपने फ्रेंड से, और जो भी कोई चीज़ डाउट हो तो आप पूछना। अब पक्का नहीं कह सकता, अगर समय होगा तो बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूँगा, लेकिन टाइम लेक्चर सोल्व ज़रूर कर देंगे, ठीक है, तो इसको आप इतना आज देखना ही।